हेलो दोस्तों नमस्कार, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है महाबोधि एक्सप्रेस के बारे में, जो कि नई दिल्ली से गया तक चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है महाबोधि एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से गया बिहार तक चलती है। ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। महाबोधि एक्सप्रेस जो है इस ट्रेन का नंबर है 123/98। और अगर हम बात करें इसके ट्रैवल टाइम के बारे में तो ये 15 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं। नई दिल्ली से गया जंक्शन की जो दूरी है वो है 992 किलोमीटर की और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 65 किलोमीटर पर आवर। इसमें LHB कोचेज जो है लगाए गए हैं, जो कि सेफ्टी और स्पीड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कोचेज माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं महाबोधि एक्सप्रेस के किराए के बारे में। दोस्तों इसमें जो AC सेकंड ईयर का जो किराया है वो है 1860 रुपये। ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये नई दिल्ली से गया तक का बता रहा हूँ, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाकर जरूर चेक कर लें। थर्ड AC का जो किराया है वो है 1300 रुपये, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी हैं जिसका किराया जो है 490 रुपये है। इसमें कोई GST चार्ज नहीं लगता, बट रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा जनरल अनरिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है तकरीबन 270 रुपये। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट पर जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं महाबोधि एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि नई दिल्ली से गया जंक्शन तक कौन कौन से स्टेशन हैं। दोस्तों ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर है 123/98। महाबोधि नई दिल्ली से हर रोज दोपहर के 12:10 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है वो है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:51 पर पहुँचती है और 1:53 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल में पहुंचती है। कानपुर सेंट्रल में ये 5:30 पर शाम को पहुंचती है और 5:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भरवारी स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7:12 पर और 7:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। ये जो ट्रेन यहाँ पर स्टॉप है ये 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटल स्टॉप दिया गया है रेलवे द्वारा। उसके बाद ये ट्रेन जो है इलाहाबाद जंक्शन में पहुंचती है 8:15 पे और 8:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। ये जो ट्रेन है यहां पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है विंध्याचल स्टेशन में पहुंचती है। विंध्याचल स्टेशन में ये ट्रेन जो है 9:23 पे पहुंचती है और 9:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में पहुंचती है 11:25 पे और 11:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर डटका स्टॉप। उसके बाद महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो चंदौली मझवार स्टेशन में पहुंचती है 11:55 पे और 11:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बबुआ रोड स्टेशन में पहुंचती है। बबुआ रोड स्टेशन में ये ट्रेन जो है 12:22 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद 12:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो कुद्रा स्टेशन में पहुंचती है 12:40 पे और 12:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और ये जो ट्रेन है यहां तक 864 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सासाराम जंक्शन में पहुंचती है 1:01 पे और 1:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 12वें स्टेशन देरी ऑन सोने स्टेशन में पहुंचती है 1:17 पे और 1:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 907 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन में पहुंचती है 1:32 पे और 1:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रफीगंज स्टेशन में पहुंचती है 1:57 पे और 1:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन गुरारू में पहुंचती है। गुरारू में ये ट्रेन जो है 2:11 पे पहुंचती है और 2:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 971 किलोमीटर की जर्नी जो है ये नई दिल्ली से कवर कर चुकी होती है। उसके बाद महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो फाइनली अपने आखिरी स्टेशन गया जंक्शन पहुंचती है 3:20 पे और 3 या 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। नई दिल्ली से गया जंक्शन की जो दूरी है वो 992 किलोमीटर की ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है।
दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।